हाँ यही है। अच्छा बच्चा है ना। कौन सा? ये बच्चा है और ये इंडिया में दूसरा नंबर है इसके, जिसके मतलब दूसरे नंबर पर है ये जहर। वर्ल्ड में ये दूसरे नंबर पर है जिसके सबसे। ये बच्चा है अभी, ये दिखाई दिए, ये चार दांत होते हैं, दो ये है ना, दिखाई दे रहे हैं ना, दो दो ये, दो ये चार जो, मतलब ये किसी की जान लेने के लिए जो है तैयार हो चुका है। ये और जो बड़ा होगा वो इतनी देर नहीं लगता। दवाया था ये? नहीं नहीं अभी स्लेट में दवाया, स्लेट से लगा। राशन भाई आज गर्मी सकल आज गर्मी तरह साथियों, जो चेन वाइपर यानी कि भारतवर्ष में पाए जाने वाला दूसरा सबसे खतरनाक सांप जिसका हमने रेस्क्यू किया था, उसको हम जंगल ले आए हैं काफ़ी दूर। यहाँ कोई कोई भी यहाँ जो अब दूर तक आबादी नहीं है, जिसको हम आज इसको रिलीज कर देंगे क्योंकि ये पर्यावरण के भी मित्र हैं और मैं पर्यावरण ही इनको अच्छा लगता है, तो इसको मैं रिलीज कर। ये अभी छोटा सा बच्चा है लेकिन इस बच्चे में ये जो दांत हैं इसके, ये देखो दांत दिखाएगा अपने, ये ओए ये दांत है, ये बच्चा है, ये इन दांतों से बढ़ना ही नहीं है ना। ये दांत जो है बस ये दांत अंदर इंजेक्ट कर देता है और इसमें पूरा जहर जो है वो आ जाएगा। ये चार दांत होते हैं, ये दो और ये दो, क्योंकि एक आगे होता है, अगर एक टूट जाए तो पिछला काम करता है, तो हमेशा इससे बचे रहना है। बहुत ही खतरनाक सांप है ये, तो इसके काटने पर आपको 35-40 मिनट में जो है वो आपको हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा, नहीं तो खतरा हो सकता है। ये इसकी बिंड पाइप होती है, ये फेंग है, तो इसको आज़ाद कर देंगे ताकि ये अपने पर्यावरण में जाके रह सके। और ऐसा होता है कि ये नज़र में नहीं आता है और कई बार इंसान जो है वो पाँव रख देता है। अब ये धीरे धीरे जो है वो अपने प्रवेश कर जाएगा अपने पर्यावरण में। ये जीभ गड्ढा है। हाँ ये बच्चा है लेकिन किसी की जान लेने के लिए बिल्कुल तैयार है। साथियों मेरे साथ आज तीनों महानुभाव जो कि जीवों से प्यार करते हैं और ये प्यार जो है इनको इसीलिए यहाँ मेरे साथ आज शायद लाया है, और मैं भी बहुत धन्य हूँ जो इनके साथ आया हूँ। तो राम राम साथियों, जियो और जीने दो।